हम कैसा पहले हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? हमारा घर द्वार के पूरा बार बार आके पूरा बर्बाद कर दिया, डग्गा में भर भर के ले जा रिया, जला रिया, अंगार जला दिया। हमारा प्लांटेशन का नर्चरी लगाया था, उसमें रोपा लगाया था तो उसको भी बर्बाद किया, जलाया, अंगार लगाया, फिर भी वो अधिकार उनका ऊपर कैसे नहीं लग रहा, हम कैसे डाल रहा, फिर भी उसको नहीं ले रहा। हमको ही चूतिया बनाता, हमको यहाँ से भगाने का ही सोच रहा, तो हम कहाँ भागेगा? हमारा आजा पुरखा का जमीन है, जंगल है, तो हम भागने वाला नहीं है, वहीं रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने ये मान लिया कि राजा से जमीन किसान की, बाकी जमीन नगर पालिका और उनकी, और जंगल वन विभाग का, आदिवासी का क्या? इस कानून की धारा 3 में जंगल पर हमारे अधिकार क्या होंगे? जंगल पर खेती और रहने का निजी सामुदायिक अधिकार है, निस्तार का सामुदायिक अधिकार है, नदी की मछली और जंगल में चराई का भी अधिकार है। तो हमारे को ऐसे नियम कानून की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने स्वतंत्र रूप से कैसे जिए वो हम तय करना चाहिए हमारे को। लड़ेंगे, जीतेंगे, अरे गांव का एका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारा इतना घना जंगल था और जब से ये वन विभाग ने कटाई चालू की है, वन विभाग की कटाई जब चालू हुई है तो यहाँ जंगल अब तो जंगल है ही नहीं मान के चलना, पूरा निकल गया, पूरा पूरा जंगल समाप्त कर दिया ये वन विभाग ने किया। देश के विकास के नाम पर आपने कितना जंगल डुबाया है? ऐसे बिजली पैदा होगा, आप समझ नहीं रहे, आप एक पक्ष से बात कर रहे हैं, आप दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं, ये सारी बात आता है उसमें। जैसा वहाँ पे जो सेवा देख रहे, नौकरी कर रहे हैं भैया, उनके लिए बड़ा चमाचम व्यवस्था, और जो हम लोग कुर्बान होगा तो हम लोग तो काचो है ही नहीं वहाँ। मतलब मैंने आपके पास से आटा लिया, आपके पास से शक्कर ली, आपके पास से घी लिया, हलवा बनाया, हलवा खाया और आपको बोला कढ़ाई मान्य आ जाना, आपको नहीं खाने दूंगा मैं। हम तो स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वतंत्रता किसका नाम है, कैसे स्वतंत्र हुए, क्या स्वतंत्रता का मकसद जीने का हमारा क्या मकसद रहना था, किस प्रकार के अधिकार होना था हमारे को, कहें बाकी कुछ नहीं। अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि जंगल किसका है। जल जंगल जमीन हमारे अब कहे, मूर्खों से नाता जोड़ेंगे, हरियाली खुशियाली लाएंगे,